नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि। गीतांजलि की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। वो है परवल का भरवा चना मिक्स करके। तो चलिए बनाती हूँ। दोस्तों, आप लोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आप ऑन करते हैं तो 50-80% देख के जाएं दोस्तों। नहीं तो ये होता है कि वॉइस टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर वीडियो को आप ऑन करते हैं फिर तुरंत ऑफ कर देते हैं तो इससे होता है क्या, जो वॉइस टाइम कम हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो को आप ऑन करते हैं तो 50-80% देख के जाएं। प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने किचन में। ये है मेरा परवल, जिसको हम अच्छे से छील के दो तीन पानी चेंज कर कर के धो लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरा परवल एकदम ताज़ा फ्रेश है दोस्तों। आज सुबह ही खेत से टूट के आया है। ये है प्याज, मेरा 6-7 मीडियम साइज का प्याज। ये है 4 हरा मिर्ची। ये है चना, लगभग 50 ग्राम के अंदाज होगा। इसको रात में ही हम फूलने दे दिए थे। ये है हमारा मसाला, लहसुन 2 छोटे साइज का। ये जीरा 1 चम्मच। ये मरीच, ये दालचीनी, ये आदि, ये सभी को हम पीसेंगे दोस्तों। और परवल का बीज निकाल के मैं खुद दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसका बीज निकालना है। इस तरीके से दोनों साइड से इसका ये ऊपर का भाग कट करके निकाल देना है। इस तरीके से बीच में इसे चीरा लगा के थोड़ा सा हाथ से पुश करके इसे बीज को निकाल लेना है। देखिए, हो गया ना एकदम खाली। और अंदर से देखिए कितना ताज़ा फ्रेश मेरा परवल है। आप देखिए दोस्तों, दूसरे परवल को मैंने ले लिया है। उसी तरीके से इसे बीच से कट लगा के थोड़ा सा पुश करके दबा देना है और उंगली के सहारे से सारा बीज इसका निकाल लेना है। कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, आराम से आप कीजिएगा ताकि हमारा परवल ये टूटे ना। टूट जाएगा दोस्तों तो अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरीके से सारा परवल का हम बीज निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी परवल को, सारे परवल को मैंने बीज से चीरा लगा लगा के बीज निकाल लिया। इतना सारा मेरा बीज हुआ है दोस्तों। तो ये मसाला के साथ ही हम बीज को पीस लेते हैं। तो चलिए पीसते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मसाला सिलबट्टे पे पीस चुकी हूँ। सभी मसाले और बीज को दोस्तों मैं एक ही बार पीस ली थी। अगर आपके पास मिक्सी है तो एक ही बार डाल के एक ही बार पीस लें। मेरे पास नहीं है दोस्तों। इधर मैं गैस को ऑन कर चुकी हूँ। मेरा तेल हो गया है गरम। इसमें थोड़ा सा तेल मैं और ऐड कर देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि अभी हमें मसाला ही फ्राई करना है। हो सके। देखिए दोस्तों, गैस का फ्लेम है हमारा मीडियम। इसमें मैं अब जीरा डालूँगी। तेल हमारा हो गया है गरम। थोड़ा सा, आधा चम्मच के लगभग जीरा डाल देना है। जीरा को चटकने देना है। देखिए दोस्तों, जीरा हमारा चटक चुका है। इसमें मैं 4-5 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, हरी मिर्च भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें प्याज, कटे हुए प्याज जो थे मेरे, इसे मैं ऐड कर देती हूँ। इस बीच में गैस का फ्लेम रखना है मीडियम। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा बस सॉफ्ट करना है। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। जो मैं सिलबट्टे पे पीसी थी उसे मैं ऐड कर देती हूँ। अब इसमें इसे 1 या 2 मिनट पका लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें सूखे मसाले ऐड करने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर बहुत कम डालूंगी, लगभग आधा चम्मच के लगभग, क्योंकि मैं हरी मिर्च पहले से ऐड कर चुकी हूँ। ये मेरा आधा चम्मच हरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच का लगभग हल्दी पाउडर,
डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, ये मैं एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, जितना आपका क्वांटिटी हो परवल का उतना आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से फ्राई करना है मसाला को। दोस्तों इसी टाइम हमें ऐड करना है चना, सभी को मिक्स करके लो फ्लेम पे दोस्तों अच्छे से फ्राई करना है। देखिए दोस्तों मसाला हमारा 3 से 4 मिनट फ्राई करना था, फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए दोस्तों। इसको ऐड करके 1 से 2 मिनट चला देना है अच्छी तरह से, मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम कम नहीं करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों मसाला हमारा हो गया है फ्राई, कढ़ाई तो हमारा गरम है ही। इसमें और मैं भरवा को तलने के लिए तेल को डाल रही हूँ दोस्तों। भरवा को मतलब फ्राई, डीप फ्राई करना है दोस्तों, क्योंकि ये परवल में हमारा कच्चा है। अच्छे से 150 से 200 ग्राम तेल डालना है दोस्तों इसमें। अब सभी परवल को मैं इस तरह से भर रही हूँ। तब तक इधर हमारा तेल हो रहा है गरम, आप देख सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा पुश करके इसको भर देना है। इस तरीके से भर देना है। इसी तरीके से दोस्तों सारे परवल को भर लूंगी मैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से सारे परवल को हमने भर लिया है। इधर तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ परवल। इस तरीके से दोस्तों जितना परवल है इस तेल में आएगा उतना को हम डाल देंगे। सबको अच्छे से 2-2 मिनट में पलट पलट के फ्राई करना है दोस्तों ढक के। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम ढक दिए हैं। आप भी 2-2 मिनट पर ढक ढक के पकाइएगा, ताकि परवल हमारा कच्चा है अच्छे से सॉफ्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए, कच्चा बिल्कुल भी ना रहे दोस्तों। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरा जो जितना भी वीडियो मैं डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़ 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 मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों 2 मिनट हमारा हो चुका था, मैं इसे पलट चुकी हूँ। आप देख सकते हैं एक परवल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, इतना ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। फिर से मैं इसे ढक रही हूँ। देखिए दोस्तों परवल का भरवा बनके तैयार। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बनके, परवल का भरवा एकदम बनके तैयार हो गया है। खाइए, खिलाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम खुश रहिए अपने ज़िंदगी में, और मेरे तरह व्यस्त रहिए। मैं रश्मि लेती हूँ विदा आप सबसे, फिर अगले दिन अगले रेसिपी लेके आ जाऊँगी। बाय।